हेलो दोस्तों, कांति किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों को बाहर का पिज्ज़ा, मोमो, पास्ता, बर्गर खाना बहुत ही पसंद है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों, आप थोड़ी सी मेहनत में घर में बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं, वो भी फुल हाइजीन के साथ और हेल्दी। इसीलिए आज मैं आपसे बहुत ही ईजी सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले पैन में लेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 2 स्क्वायर शेप में कटे हुए ऑनियन को डालेंगे, देन थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें 4 से 5 उबले हुए आलू को मैश करके डाल देंगे, साथ में 1 चम्मच चिली फ्लेक, 1 चम्मच मिक्स हर्ब को ऐड करना है। आप चाहे तो ओनली ऑर्गेनो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। दोस्तों, आप इस तरह की फिलिंग बनाकर अगर रख लेंगे तो आप इसे बर्गर, आलू पराठा या सैंडविच में यूज कर सकते हैं। बहुत ही यमी टेस्ट आता है दोस्तों। साथ में टेस्ट के लिए थोड़ा नमक भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है व्हाइट ब्रेड, इसे साइड से कट कर देंगे। अब इसके ऊपर से टमाटो केचप और मेयोनीज लगा देंगे, अच्छे से पूरा स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। अब जो मैंने आलू का फिलिंग बनाया है उसे ब्रेड के ऊपर में रख देना है। उसके बाद इसे और यमी और चीजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर मोजरेला चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मोजरेला चीज भी सारे ब्रेड के ऊपर में रख देना है। दोस्तों, इस तरह की रेसिपी अगर आप बाहर में खाने जाते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा पे करना होता है और वो काफ़ी हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत तरह का ऐसा जो आइटम में मिलाया जाता है जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप घर पर नीट एंड क्लीन रेसिपी बनाइए और टेस्ट के साथ, मज़े के साथ इंजॉय करके खाइए, वो भी टेंशन फ्री। इसके ऊपर से ब्रेड के दूसरे स्लाइस को रख देना है, देन पैन में लेंगे 1 चम्मच बटर। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो ब्रेड के इसके ऊपर रख देना और कवर कर देना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, 1 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे जिससे कि दोनों तरफ से ब्रेड अच्छे से सिक जाएगा। दोस्तों, बाहर में आप जो सैंडविच खाते हैं उसका ब्रेड कच्चा ही रहता है, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप खाते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और घर पर इतना टेस्टी रेसिपी बनाकर खाइए। ब्रेड की दूसरी तरफ भी बटर लगा लेना है और उसे भी सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सैंडविच बनकर तैयार है। तो आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है और काफ़ी टेस्टी भी है। तो इस तरह की रेसिपी आप घर पर बनाइए, इसके लिए आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे मेयोनीज और टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ऑल बटन को क्लिक कर ले, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करना सीख लीजिए तो आपको टेस्ट भी मिलेगा और साथ में आपका हेल्थ भी बना रहेगा। सो गाइस, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।